पहला मनु जिसकी संतानें होते होते आज संतान के संतान संतान के संतान होते होते पूरी दुनिया में 800 करोड़ आबादी हो गई है। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी मिशन इंडिया और मैं हारून, और आज हम हैं पटना के गांधी घाट पर, और यहां पर वर्क संस्था की तरफ से क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को आप देख सकते हैं इसमें भाग लिया गया, जिसमें 5 लोग फाइनल राउंड में पहुंचा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और हमारे वीडियो में बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए आपसे आपके लिए है क्वेश्चन, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? मैं आपको हिंट्स कर सकता हूं थोड़ा सा। हिंट्स ये है कि जैसा कि मैंने कहा था कि करंट अफेयर से होगा, तो आपको फरवरी से पहले जनवरी में जाना होगा। आप मैगजीन पढ़ते हैं या आप क्विज आप कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो, या पेपर पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, जानते हैं कि नहीं? 14 फरवरी। सोच के बोलिए। सॉरी आप नहीं बता पाए, इनके लिए क्विक क्लैप कीजिए। आपसे विश्व की कुल आबादी 800 करोड़ लगभग हो चुकी है, 8 अरब की आबादी है इस वर्ल्ड की, इस धरती की, इन जिसमें इंसानों की है आबादी है, और ये 800 करोड़ की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में, ये एक बार तो नहीं हुआ, ग्रेजुअली हुआ, जितना बैग जाएंगे तो जनसंख्या कम मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका परदादा मेरा परदादा एक भाई था, तो फिर बोलते हैं हम लोग भाई भाई, तो वहां से एक रिलेशन बन जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, रिलेशन बन जाता है। तो पहला व्यक्ति, पहला मनु जिसकी संतानें होते होते आज संतान के संतान संतान के संतान होते होते पूरी दुनिया में 800 करोड़ आबादी हो गई, वो पहला व्यक्ति आपको बताना है। आप लोग नहीं बोलिएगा प्लीज। पहला व्यक्ति किस कंट्री में आए थे? हिंदुस्तान। बिल्कुल सही जवाब है, हिंदुस्तान। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमको गर्व है हिंदुस्तान पे, क्योंकि सबके दादा हिंदुस्तान के थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि सोचने वाली बात यह है कि जब उनकी संतान सब है, चाहे वो जॉन हो, चाहे वो सुरेश हो, चाहे वो अहमद हो, कोई भी हो, सब उन्हीं के संतान है, तो आपस में क्या रिलेशन हुआ? भाई हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, सौतेला में नहीं हुआ। जब ब्लड रिलेशन हुआ, अपना भाई हुआ, तो आपस में संबंध कैसा होना चाहिए? कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आज आप लोग और हिंदुस्तान के युवक ये जान जाएंगे कि हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं, एक दूसरे के भाई हैं, तो आप एक कॉमन गोल की बात फिर पड़ेंगे, उस कॉमन गोल का नाम है विश्व गुरु भारत, अखंड भारत। अगर आप चाहते हैं अपने देश को अखंड भारत बनाना, तो इस फॉर्मूले को अपना लीजिए कि हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं। नेक्स्ट चैन गेम से है, आपको बताना है। इधर आईसीसी मेंस ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट 2023 की मेजबानी, अभी सब क्वेश्चन चेंज कीजिए, क्वेश्चन आई करें क्रिकेट सब पूछ लीजिए। तो ये तो भाई आप लोग गलती कर, इनके लिए नाइंसाफी हो गई, इनके लिए नाइंसाफी हो गई। अच्छा ये बताइए, नो रॉन्ग, सॉरी सॉरी, क्या करें उन लोग बोल दिया, वो फिर भी क्रिकेट से ही पूछे। जिम्बाब्वे
नौ और फिर उसके बाद होगा तो फिर इंडिया को मिलेगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। इनके लिए एक बिग क्लैप के कि आप लोग नाइंसाफी किए इनके लिए बीच में बोल। आप लोग फुल मालूम था कि बोलना नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक चांस इसको देना चाहिए इनको? आ जाइए, क्योंकि वो जवाब जान रहे थे। ये आप लोग बोल दिए ना, ये फिर फाइनल राउंड में आते ही है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, अरुणा मिलर को यूएसए के एक राज का, अब देखिए बिस्कुल भारत बनने वाला, आप लोग तैयार हो जाइए। सब जगह झंडा लहरा रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा? कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन के साथ रहना होगा, शक्ति लगानी होगी, एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना होगा। आप अपना सपना जो कीजिए, एक कॉमन सपना आप लोग देखिए कि भारत को बिस्कुल बनाए। तो अरुणा मिलर को यूएसए के एक राज का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, ये करंट अफेयर्स से। आपको उस राज का नाम बताना है। मैरीलैंड, कोई बात नहीं है, यहां आए, इनके लिए एक बिग क्लैप कीजिए। चलिए आप भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्राइड वाला क्वेश्चन है, गौरवान्वित वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक जो खगोल शास्त्री भी थे, जिनका, हेलो, उस युग का नाम बताना है। आप लोग नहीं बोले प्लीज, नहीं हिंट तो इसमें नहीं देंगे, बहुत इजी है ये। उस युग का नाम बताइए, सॉरी। चलिए इनके लिए क्लैप कीजिए कि आप जानना चाहते हैं उस युग का नाम। उस युग का नाम है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि भारत विश्वगुरु बनेगा तो कोई बढ़िया। हाँ, सतयुग, बिल्कुल सही जवाब, सतयुग। ठीक है, चार युग होते हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं सतयुग के बारे में कि सतयुग में क्या होता है। सतयुग का मतलब हुआ सत, सत का युग, लोग सतवादी हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सत ये है कि इस पूरे यूनिवर्स की रचना करने वाला, इस पूरे यूनिवर्स को चलाने वाला, पूरे सिस्टम को देखने वाला एक ही गॉड है। चाहे उसको लोग परमेश्वर बोले, चाहे गॉड बोले, चाहे अल्लाह बोले, वो एक ही है, कहीं से भी दो दिखाई नहीं देता है। तो सब अपने अपने भाषा में उस एक मालिक की तरफ आएंगे। और दूसरा ये कि सब ये समझने लगेंगे कि सब एक दूसरे का सगा भाई है। तो ये भारत में सतयुग शुरू होगा और भारत विश्वगुरु बनेगा आपके लिए। तो चलिए, इनके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए प्राइड वाला क्वेश्चन है। ये भी वो क्वेश्चन है जिससे आपको लगेगा कि भारत विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? बोलिए नहीं प्लीज, आपको फिर इनका आप चांस ये खत्म कर दे रहे हैं, खत्म हो गया, बोलिए नहीं ना। फोर्थ, बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट, ये पावर का मतलब हुआ मिलिट्री पावर। अभी भारत की जो शक्ति है विश्व में फोर्थ नंबर पे है, फर्स्ट में यूएसए, सेकेंड में रूस, थर्ड में चाइना, फोर्थ में भारत। क्वेश्चन है आपके लिए कि सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में लॉन्च हुआ? सोल ऑफ स्टील चैलेंज, थोड़ा सा हम इसके बारे बता दें आपको कि इस स्कीम के तहत लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ऊंचाइयों पर कैसे चढ़ेंगे और कैसे आप फेस करेंगे। तो ये एक हिंट भी हो गया आपके लिए। तो आपको बताना है सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में लॉन्च हुआ, हिंट हमने दे दिया, बताएंगे? कोई दिमाग में हलचल है? यस और नो? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, नो नो, उत्तराखंड। कोशिश तो किया है उन्होंने, एक बार फिर क्लैप कीजिए इनके लिए।
अब हमारे पास थर्ड राउंड शुरू हो रहा है। क्लब वर्ल्ड कप 2023 कंफ्यूज मत कीजिएगा, किस देश में आयोजित होगा? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस देश में आयोजित होगा? जर्मनी। लड़ी से चलिए, एक आपके लिए ऑप्शन है, तैयार रहिएगा। एक ऐसी बीमारी जो जिसके होने से स्किन डिजीज होता है, फेस से बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, खासकर अफ्रीकन कंट्री से बहुत परेशान है। मैं थोड़ा सा हिंट भी करते जाऊं, 1976 में बीमारी शुरू हुई थी, एक नदी का नाम है इबोला। तो कांगो से ये बीमारी शुरू हुई थी और धीरे धीरे कई देशों में पहुंच गई। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इबोला रोग के प्रकोप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने की घोषणा किस देश ने की थी? किस देश ने इस प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की थी? अफ्रीकन कंट्री है। नो रॉन्ग आंसर। तो आपको मैंने एक ऑप्शन भी दिया लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे पाए, तो बहुत अफसोस की बात है कि आप, आपके लिए जो था आप उसको अचीव करने में ये हो गए। तो रूल तो रूल ही होता है ना, इनके अलावा और भी लोग थे जो यहाँ से चले गए, तो सबके लिए यही रूल अप्लाई होगा। तो ऐसा करते हैं कि फाइनल राउंड में जो आए थे यहाँ पे, एक बार फिर आ जाइए आप लोग, लास्ट राउंड में जो आए थे, चलिए आपके लिए वो बड़ा नहीं तो चुप। बोलते रहे, क्लैप कीजिए आप लोग। फाइनल राउंड हमारा खत्म हो गया, ये हमारे 5 विनर थे। तो आज हम ये समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे आज ही के दिन नेक्स्ट हफ्ता।